आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा। दोस्तों, जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे तमाम गतिविधियां भी चलती जा रही है, रैलियां भी हो रही है, सभाएं भी हो रही है, और अनेक माध्यम से जनता जनार्दन को अपने तरफ करने का जो दौर है लगातार चल रहा है। पर कहीं ना कहीं अब भी ऐसे तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आज भी लोगों की और जो पार्टियां हैं उनकी नज़र नहीं है। पर ऐसे मुद्दों पर कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार ऐसे मुद्दों के तहत अपने जो बात कहते हैं और जनता जनार्दन को बताते हैं कि ऐसा मुद्दा भी जरूरी है, और ये मुद्दा होता है हिंदुत्व का। जी हाँ, हिंदुत्व का मुद्दा वही मुद्दा है जो लगातार हम देख रहे हैं कई चुनावों में इस मुद्दे के लेकर बात हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी जैसी तमाम पार्टियां हैं वो हिंदुत्व के मुद्दों पर बात करती है और बताती है कि हम हिंदुत्व की पार्टी है। कांग्रेस भी अब हिंदुत्व के मुद्दे पर आ चुकी है और वो बताते हैं कि हम हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं और हिंदुत्व ही हमारा एजेंडा है। तो तमाम पार्टियां हैं जो, चूंकि बहुत बड़ा वोट बैंक हिंदुत्व उसका है, तो हिंदू समुदाय के वोट बैंक के मुताबिक लगातार देखा जा रहा है कि जो पार्टियां हैं वह हिंदुत्व की बात करती हैं। पर कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो लगातार इस मुद्दे को लेकर जो पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को नकारती हैं, उस मुद्दे को अब उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि लगातार हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टियां हिंदुत्व को तवज्जो नहीं देती हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व है जो कि जगदीश कुमार राज है, जो हिंदू पर्सन लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि जो पार्टियां हैं बात करती हैं हिंदुत्व की, पर हिंदुत्व को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, तवज्जो नहीं जाती है। दगजिया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश महाराज की ओर से हर हर महादेव, जय श्री राम। जगदीश जी, आप लगातार देखते हैं कि पार्टियां हिंदुत्व की बात करती हैं और तमाम बातें होती हैं, मूर्तियां लगाई जाती हैं, वादे किए जाते हैं, हिंदुत्व की बात की जाती है, और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो भी अब हिंदुत्व की तरफ जा रही हैं। पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हिंदुत्व की तरफ जाती हैं, बात करती हैं, पर अब भी हिंदुत्व की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है जो मिलनी चाहिए। क्या मानते इसको? देखिए गौरव जी, सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जो है, इस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो है हिंदुत्व की सरकार है, जिसको लोग हिंदुत्व की सरकार बोलते हैं, मगर आज भी इन सरकारों में भी जो है हिंदुत्व के लिए आवाज उठाने वाले संतों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। और वजह क्या है कि जो लोग हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो संत आवाज उठा रहे हैं, उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। आज अभी हमें हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ लोगों के जरिए मालूम हुआ, और एक हमारे पास महाराज जी आए थे, यति राम स्वरूपानंद जी, उन्होंने हमें बताया कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती गिरी महाराज जी जो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी है, वो जो है हरिद्वार की जेल में बंद है। इस तरीके की हमारी जो है महाराज जी से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने हरिद्वार के अंदर हुई धर्म संसद में जो है हिंदुत्व के लिए आवाज उठाई थी, इसी मुद्दे को लेकर जो है प्रशासन ने जो है उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, और वो अब तक जेल में बंद है। इस तरीके से हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड को जब ये चीज मालूम हुई, तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड जो बनाया ही जो गया है वो संतों की आवाज उठाने के लिए बनाया गया है, कि वो किसी भी देश किसी भी राज्य का संत हो, कहीं का भी संत हो, या देश के किसी भी कोने से हिंदुत्व के लिए आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति संत के हो, तो उसको जो है आगे बढ़ाने का काम हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा। अगर उसके साथ कहीं भी दुर्भाग्यपूर्ण या कोई गलत व्यवहार किया जाता है, तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, और हर देश के किसी भी कोने में वहां पहुंचकर उन संतों के लिए, उस इंसान के लिए आवाज उठाएगा जो हिंदुत्व के लिए आवाज उठाता है। आप देखते हैं हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदू की आबादी बहुत ज़्यादा है, और लगातार हिंदू की बात पार्टियां करती हैं, पर हम देखते हैं जब हिंदू संतों की हत्या होती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो वो आवाज़ मुखर नहीं होती है जो अन्य समुदाय के लोगों के लिए होती है। क्या मानते हैं, कहाँ पर यहाँ पर बात अलग मानी जाती है कि हिंदू समुदाय के संत के साथ कुछ होता है तो वहाँ पर आवाज़ मुखर नहीं होती है, तमाम जो लोगों के बयान नहीं आते हैं और कोई उस पर बराबर में बयान भी नहीं देता है और कोई रूपरेखा तैयार नहीं की जाती है इसके विरोध की, पर अगर कोई विशेष समुदाय के व्यक्ति की ऐसी मृत्यु होती है और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो बड़े मुखर तौर पर तमाम बड़े बड़े नाम हैं वो अपने अपने माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ मुखर करते हैं। तो क्या मानते हैं, ये अंतर क्यों पाया जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदू समाज के साधु संतों में पहली बात तो एकता नहीं है। वो सोचते हैं अरे वही तो है, हमारा थोड़ी कुछ है। अगर हम इसी बात को हम दूसरे समुदाय की ओर लेके जाएं, तो अगर एक मौलाना अगर कहीं भी चला जाता है, इधर उधर हो जाता है, या उसके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह हो जाती है, तो पूरा मुस्लिम समाज आवाज उठाता है उसके प्रति।
मगर हिंदू धर्म में सनातन धर्म में ऐसे साधु संत नहीं करते। आज यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज जी जो है जेल में बंद है, आज क्या है कि संत भी आवाज उठाने के लिए उनके लिए, अगर कल को वो बाहर निकल आएंगे तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए उनके साथ पहुंच जाएंगे। आज वो परेशानी में है तो उनके पास उनको निकालने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। मगर हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड संतों के लिए बनाया गया, संतों के हितों के लिए बनाया गया, उनके मान सम्मान के लिए बनाया गया, तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड उनको निकाल के रहेगा बाहर। और आने वाली 5 फरवरी को जो हरिद्वार जाएंगे हिंदू पर्सनल अवार्ड से जुड़े लोग, और उनके उनको भरसक प्रयास करेंगे कि उनसे जेल से रिहा कराया जाए। आपने एक बात कही कि दूसरे समुदाय के लोग तो उनमें एकता पाई जाती है, यहाँ साधु संतों में जो है एकता नहीं पाई जाती है, अपनी डबली अपना राग लेके चलते हैं। बोले हमें तो ये हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, दूसरे का तो बिगड़ा, दूसरे जेल में हमें क्या फर्क पड़ रहा है, उनका अपना काम तो चल रहा है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू समाज को आगे आने चाहिए। अपने संतों के साथ, उनके संतों के साथ जो व्यवहार हो रहा है हिंदू समाज के संतों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जो है आवाज उठानी चाहिए। आज यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज जेल में है तो उन्होंने करोड़ों हिंदुओं को जो है आगे बढ़ाने का काम किया, हिंदू धर्म की बात को आगे पहुंचाने का काम किया, देश विदेश में पूरी दुनिया में उन्होंने जो है हिंदू धर्म का सनातन धर्म का डंका बजाया कि सनातन धर्म ही है ऐसा है। मगर ये है कि आज क्या है, आज वो जेल में बंद है तो कोई भी उनका आवाज उनके लिए आवाज उठाने के आगे नहीं आ रहा है। मगर हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड जो है पूरी कोशिश करेगा और उनको बाहर भी निकाल के लेकर आएगा। और दूसरी बात है कि एकता रहनी चाहिए हिंदुओं में, अपने संतों के प्रति आस्था रहनी चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए। अगर हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड इनको बाहर निकाल लाता है तो उसके बाद जो है जो और संत जो जेल के अंदर बंद है उनको भी निकालने का पूरा प्रयास करेगा। जगदीश जी बताइए कि अभी आपने कहा उत्तराखंड में भी हिंदू की सरकार है, उत्तर प्रदेश में हिंदू की सरकार है, फिर सरकार क्यों प्रयास नहीं करती इनको निकालने का? इसकी जो पहल है वो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों करनी पड़ी, सरकार के द्वारा ऐसा कोई सहयोग क्यों नहीं दिया? जी हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड को प्रयास इसलिए करना पड़ा क्योंकि सरकार नहीं कर रही। अगर सरकार चाहती तो उनको 1-2 दिन में बाहर निकाल सकती थी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर उत्तराखंड की सरकार है, अगर हिंदुत्व की सरकार वो आगे बनाना चाहते हैं तो उनको यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज को बाहर निकालना होगा। और उनकी जो सरकार है वो, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, उनकी जो सरकार जो बनेगी वो हिंदुत्व के नाम पे ही बनेगी। जब हिंदुत्व के साथ ही भेदभाव किया जाएगा तो उत्तराखंड के लोग क्यों सरकार बनाएंगे हिंदू की, जब हिंदू साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो? जी वजह क्या है, क्यों सहयोग नहीं कर रही है, आपको पहल करनी पड़ रही है? जो सरकार है, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पर हिंदुत्व की सरकार है, पर अब तक सरकार सहयोग नहीं करे, क्यों सहयोग नहीं करे, क्या मानते, क्या वजह मानते हैं सहयोग ना सहयोग की? देखिए दूसरी बात है, इसलिए भी सहयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि हिंदू तो एक नहीं है। दूसरी बात है, सरकार भी इस चीज का फायदा उठाती है क्योंकि बिखरे हुए हैं, ना तो अपने अधिकार मांग पाते हैं, ना संतों की रक्षा कर पाते। दूसरी बात, अगर हमने अपने संतों की रक्षा कर ली तो समझो कि हमने अपने अधिकारों की भी रक्षा कर ली, क्योंकि हमारे लिए आवाज उठाने वाले हमारे संत होते हैं। आज हमारे संत ही जेल के अंदर होंगे तो फिर क्या होगा, कौन आवाज उठाने वाला? और मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड की जो सरकार बनेगी वो हिंदुत्व लेकर बनेगी, जब हिंदुत्व नहीं बचेगा तो सरकार भी नहीं बचेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री को सपोर्ट करना चाहिए, जो वहां के मंत्री हैं उत्तराखंड के उनको सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उनको निकालने में सहयोग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो शायद वहां पे रहने वाली जनता, उत्तराखंड की जनता जो है वो उनका भी जो है मौजूदा सरकार से मोह भंग हो सकता है। वो सोचेंगे कि जब हमारे हिंदुत्व की रक्षा करने वाले भी रक्षा नहीं कर पा रहे तो हमारी क्या रक्षा कर पाएगी सरकार। आपने तो कहा सरकार को, अगर सरकार अपनी सरकार मौजूदा सरकार फिर से अपनी सरकार बनाना चाहती है, हिंदू की सरकार बनाना चाहती है, तो सरकार को आगे आना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि उनको बाहर किया जाए, जिससे आने वाले टाइम में जो है कि हिंदुत्व के लिए आवाज उठा सके ऐसे संत। आपने कहा कि हिंदुओं में एकता नहीं है, तो एकता बनाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? युवा है और हिंदू प्रयास जी जी मेरा सवाल सुन लीजिए, हम प्रयास कर रहे हैं हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। हमारे संत जब बाहर आएंगे तो उनके विचार लोगों तक जाएंगे, जब हमारे संत ही जेल के अंदर रहेंगे तो उनके विचार कहाँ जाएंगे? तो जब तक हमारे संत हमारे साथ होंगे तब हमारे विचार आगे जाएंगे, तब लोग जुड़ेंगे, तब उनमें एकता आएगी। पहले से अब के समय में बहुत ज्यादा, देखिए आपने एक बात शुरू में कही कि और भी सरकार जो हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गई है, क्यों आ गई है? वो संतों के जगाने पर आ गई है, वरना सरकारें अपनी अपनी थी उनकी, ठीक है वो अपने अपने तरीके से चल रहे थे, मगर हिंदुत्व की कोई बात नहीं कर रहा। आज आपने कांग्रेस की बात करी, समाजवादी की बात करी, और भी सरकारों की बात करी, तो अब जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर बात कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि संतों ने आवाज उठाई।
अगर संत आवाज नहीं उठाते, हिंदू तो आवाज नहीं उठाते, तो आज जो इस समय इलेक्शन का समय चल रहा है तो ये सरकारें भी अपनी आवाज नहीं उठाती। अगर देश के अंदर किसी भी संत के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किसी भी देश के किसी भी कोने में किया जाता है तो वहां हिंदू पर्सनल लॉ उनके साथ रहेगा, उनकी आवाज आगे बढ़ाने का काम करेगा। अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया जाता तो उनको जेल से निकालने का भी काम हिंदू पर्सनल लॉ करेगा। आपकी उम्र के जो युवा होते हैं वो लगातार राजनीति का रुख करते हैं या व्यवसाय की तरफ रुख करते हैं, आपने विशिष्ट काम पकड़ा है हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, क्या मानते हैं इसमें क्या रुचि रही और किस समस्या को देखते हुए आपने इस चीज काम का बीड़ा उठाया है? देखिए, अगर मेरी उम्र की बात करें तो मैं स्कूल समय से ही मुझे अच्छा लगता था कि मैं अपने देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए काम करूं। और जब साधु संत जेल जाते थे, आत्महत्या करते थे मेरे पढ़ने के समय, तो मुझे बहुत दुख होता था कि अरे यार, मेरे साधु संतों को बचाने वाला शायद कोई नहीं है, तो ये सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं हिंदुत्व के लिए काम करूं, अपने संतों को बचाने का काम करूं, उनको आगे बढ़ाने का काम करूं। अगर उनकी आत्मरक्षा हम करते हैं तो हमारा सनातन धर्म आगे जाएगा, हमारा हिंदुत्व आगे बढ़ेगा। अगर उनको ही आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा तो फिर साधु संतों की रक्षा करने वाला कौन होगा? देश के अंदर जितने संगठन हिंदुवादी संगठन है उनको भी आगे आना चाहिए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, संतों को सहयोग करना चाहिए। आज हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है, आज लगभग देश के अगर हम यूपी उत्तराखंड की बात करें तो कम से कम करोड़ों लोग हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े होंगे, जो अगर हमारे संतों की रक्षा करेगा तो हम उसकी सरकार बना भी सकते हैं और उसकी सरकार गिरा भी सकते हैं। ऐसा हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जुड़े हुए लोग हैं उनके मन में विचारधारा चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता है, हमारे संतों को बाहर नहीं निकाला जाता, या फिर नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज जी को नहीं निकाला जाता, तो हम उसका विरोध भी करेंगे। दूसरी बात, इस समय आचार संहिता चल रही है तो भाई हम इस तरीके का धरना प्रदर्शन मगर नहीं करेंगे, मगर कानूनी रूप से पूरी लड़ाई लड़ेंगे संतों को यदि नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज जी को निकालने की। दूसरी बात है, जो और भी संत आसाराम बापू जी बंद है, संत राम रहीम जी बंद है, अगर हम यदि नाम निकालते तो फिर इनको भी निकालने का प्रयास करेंगे। जगदीश जी, गलती जगदीश जी, जगदीश जी, जिन संतों का आप, जगदीश जी, जिन संतों का आप नाम लिया है, आसाराम बापू, बाबा राम रहीम का आप नाम लिया है, पर इन पर तो आपराधिक मुकदमे दर्ज है और संगीत धारा का मुकदमे दर्ज है। अगर अगर दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर अगर हम इसको हम चाहे कि जानकारी जुटाएंगे इनके प्रति, अगर कोई जानकारी गलत पाई जाती है तब हम इन्हें छुटाने का प्रयास करेंगे। अभी अभी हमें कोई जानकारी इस तरीके की कोई है नहीं। अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि ये निर्दोष हैं या ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है तो हम इनको भी निकालने का पूरा प्रयास करेंगे, अगर इस तरीके का हमारा चलता हो। फिर दूसरी बात है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड का काम है संतों की सेवा करना, संतों के प्रति व्यवहार गलत व्यवहार हो रहा है उसको रोकने के लिए प्रशासन प्रयास करना है। जगदीश जी ये बता, कोई भी संतो, कोई भी हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई भी जुड़ सकता है। अगर किसी भी संत के साथ कोई गलत व्यवहार किया जा रहा है देश के किसी भी कोने में तो वो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड से संपर्क कर सकता है, उसकी भरसक मदद की जाएगी, उस संत को उस संत के साथ गलत व्यवहार होने से उसको रोका जाएगा, पूरा प्रयास करेगा हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड। अभी आपने बताया कि देश के किसी कोने में दुर्व्यवहार होता है संतों के साथ तो आपसे संपर्क करें, ये बताइए देश के कितने राज्यों में अभी आपका संगठन है, लोग जुड़ रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है? देखिए, प्रतिक्रिया की हम बात करें तो आज क्या है, देश के 15 राज्यों में लगभग संगठन पूरी तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिस तरह समय हुआ है, ठीक है, लोग तेजी से जुड़ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अगर ये बात हमारे संगठन को नहीं मालूम होती कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज जी जो जेल में नहीं है तो हमें भी मालूम नहीं होता, ये हमारे कार्यकर्ताओं के, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं, जुड़े लोग हैं, उनके माध्यम से चला। अब कुछ यति राम स्वरूपानंद जी ने हमें बताया कि हमारे गुरु जी हैं और जेल में बंद है, तो हमने कहा कि चलो हम जानकारी जुटा के उनको बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेंगे, उनको बाहर निकाल के भी लेकर आएंगे, क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते हैं। अगर हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले की आवाज दबा दी जाएगी तो फिर कौन पैदा होगा हिंदुत्व की आवाज उठाने के लिए? और संत तो आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। अगर उनकी मदद करे तो संतों को आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर संतों के आत्महत्या नहीं करेंगे तो वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनको कोई उनसे कोई नुकसान थोड़ी है सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जगदीश जी, अगर यति नरसिंहानंद जी को रिहा नहीं किया जाता है तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कदम उठाने वाला है? देखिए, कदम क्या, हम पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई करेंगे, ऐसा अभी समय आचार संहिता चल रही है, कोई धरना प्रदर्शन तो नहीं करेंगे, मगर पूरी तरीके से जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे हम।
जो भी अगर वकील की बात है अच्छा वकील करेंगे, ठीक है, अगर जमानती की बात है तो अच्छे जमानती लेकर आएंगे, जो कानूनी रूप से प्रक्रिया होगी वो हम पूरी तरीके से करेंगे जो कानूनी प्रक्रिया होगी। इसके अलावा जो संत और भी जेल में बंद है इनको निकालने के बाद जो है उन संतों के लिए भी जो है जानकारी जुटाई जाएगी, उनसे केस की स्टडी करवाएंगे हम वकीलों से, अगर सही जानकारी होती है और कोई ऐसा कोई उन्होंने गुनाह नहीं किया तो उनको भी बाहर निकालने का हम काम करेंगे। जिस तरीके से आपने पूछा था कि इन संतों के उस पर तो आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, अपराधी कोई भी नहीं होता, हो सकता है सडन के तहत उनको फंसा दिया गया हो, इस तरीके का भी हो सकता है। जगदीश जी, जिसके 5 राज्यों में चुनाव है और हिंदू का जो मुद्दा होता है, हिंदू का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा, क्या मानते हैं क्या असर डालेगा ये मुद्दा आगामी चुनाव पर? देखिए, आगामी चुनाव पे जो लोग अगर हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनकी सरकार डगमगा जाए बनने से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो, हमारे सनातन धर्म की रक्षा की बात आ रही है, हमारे संतों की बात आ रही है, अगर हमारे संतों को जेल में नहीं डाला जाता तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। दूसरी बात है, बहुत सारे मौलाना चीख चीख के हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर जेल में डालना तो उनके खिलाफ भी तो मुकदमा लगा के उनको जेल में बंद कर देते हैं। हमारे संत की थोड़ी आवाज गलत हो रहा है, वो तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्यों ऐसे मौलाना पर कार्रवाई नहीं होती, तो खाली हिंदू संतों पर क्यों कार्रवाई होती है? वो भी तो है, उनकी भी जांच वीडियो यूट्यूब से उठाएं और देखें कैसे कैसे बयान आते हैं। कुछ मौलाना तो तकरीरें करनी उन्होंने बंद कर दी है कि यूपी में जो है बाबा जी की सरकार है, हो सकता है उन्हें फंसा दिया जाए। जगदीश जी, कुछ मौलाना है। जगदीश जी, मीडिया सशक्त माध्यम अपनी बात कहने का, प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राइम टीवी के अगर हम माध्यम से बात करें तो जो है हिंदुओं को जो है हिंदुत्व के प्रति अपनी विचारधारा रखनी चाहिए, हिंदू साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी भी साधु संत के साथ दुर्व्यवहार होता है या गलत व्यवहार किसी के द्वारा किया जाता है, किसी समुदाय के द्वारा या राजनीतिक संगठन के द्वारा या किसी साजिश के तहत, तो हिंदू धर्म के सभी लोगों को आगे आना चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम संतों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारी संस्कृति सनातन धर्म जो है कमजोर पड़ जाएगा और साधु संत ही आवाज उठाने वाले नहीं होंगे तो आम आदमी की रक्षा करने वाला कौन होगा? जिस तरीके से हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिक जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से हमारे साधु संत भी जो है हमारे सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, चाहे वो आंधी है तूफान है बरसात में भी वो आगे चलने का काम करते हैं। प्राइम टीवी अगर ये हमारी आवाज उठाता है और हमारे साधु संतों को के प्रति आस्था रखता है तो सभी लोगों को जो है आगे आना चाहिए और भरसक प्रयास करना चाहिए कि साधु संतों को लिया। और मैं उत्तराखंड सरकार से स्पेशल ये कहना चाहता हूँ कि साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए, वो देवों की नगरी हरिद्वार कहलाया जाता है, अगर साधु संतों के साथ ही ऐसा व्यवहार होगा तो फिर क्या होगा? वहां की सरकार को जो है यदि नरसिम्हा सरस्वती महाराज जी की जो है रिहाई कराना चाहिए और हिंदुत्व की सरकार की वो बात कर रहे हैं तो अपनी हिंदुत्व की सरकार बनाए और हिंदुओं के प्रति अपनी आस्था रखे, वहां की सरकार हिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम करे। ठीक है, ठीक है, ठीक इस तरीके का अगर काम करती है तो उनकी सरकार भी बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में। तो ये थे जगदीश राज, जो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनका कहना है कि लोगों को संतों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि संत ही हैं जो सनातन धर्म को बरकरार बनाए हुए हैं, उसकी रक्षा करने वाले हैं। सरकारें आती हैं पर हिंदुत्व की बात कोई नहीं करता है, हिंदुत्व को हमेशा तवज्जो नहीं दी जाती है, और अगर सरकार हिंदुत्व को तवज्जो नहीं देगी तो सरकार बदली जाएगी और बदलाव जरूर होगा। अगर सरकार जो भी पार्टी है, जो भी राजनीतिक दल है, उसको सरकार बनानी है तो उनको हिंदुत्व के मुद्दे पर आना पड़ेगा और हिंदू साधु संतों की रक्षा करनी पड़ेगी और सनातन धर्म को बचाना होगा, तभी वो सत्ता में अपनी सरकार को बनाए रख सकते हैं या आ सकते हैं। तो आज की प्रेम चर्चा में इतना ही, अगली बार किसी नए व्यक्ति का होगी मुलाकात। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।